हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, आज बात करेंगे एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज बात करेंगे हम इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीजों की। कई बार हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, किन बातों को कभी भी नहीं बोलना चाहिए अपने इंटरव्यूअर के सामने, चाहे वो कितना भी ट्राई करे, चाहे आपको उन बातों को बताने से वो जॉब आपकी क्यों ना हो रही हो, लेकिन उन बातों का डिस्कशन आपको अपने इंटरव्यूअर के सामने नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आपका जो एक फेस इंप्रेशन था, आपकी जो एक छवि उनके सामने आने वाली है, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी और आपकी जो पर्सनैलिटी निकल के आने वाली थी वो फेडेड आउट हो जाएगी। तो किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम काफी ज्यादा चीजों की प्रिपरेशन करके जाते हैं। कुछ चीजें तो हमें एक्सपीरियंस से आ जाती है क्योंकि हमने कई बार पहले भी इंटरव्यू दिए होते हैं। कुछ चीजें हम कहीं ना कहीं से रीड आउट करके जाते हैं या हम किसी यूट्यूब से या किसी अपने जानकार से पूछ के या देख करके जाते हैं और उन्हीं से रिलेटेड करके हम अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। भाई, इंटरव्यू में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछे जाते हैं प्योरली आपसे रिलेटेड और दूसरे पूछे जाते हैं आपकी टेक्नोलॉजी या आपके प्रोफाइल से रिलेटेड। तो प्रोफाइल से रिलेटेड में तो कोई आपको क्या ही बताएगा, प्रोफाइल से रिलेटेड में तो आपको ही आंसर देना है। जितना आपको आता है, जितनी आपकी समझदारी है या जितना आपका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपको ही आंसर देना है। बट जब इंटरव्यू को ये लगने लगता है कि भाई बंदे के पास सफिशियंट नॉलेज है इस वाले प्रोफाइल को क्रैक करने के लिए, फिर वो आपके बिहेवियर को, आपके करेक्टर को, आपके साउंड को, आपके चाल चलन को, आपके ओवरऑल जो नेचर है उसको खंगालने की कोशिश करता है तरह तरह के क्वेश्चन पूछ के। तो वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, बट आपको आंसर बहुत सुलझे हुए और साफ तरीके से देने हैं। तो पहली कौन सी बात हमें अपने इंटरव्यूअर के सामने नहीं बोलनी चाहिए, बोर्ड पे लेके चलता हूं। दोस्तों, कई बार जब आपका इंटरव्यू पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्यों जॉब चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, पर्सन टू कंपनी वेरी कर सकते हैं, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपको कभी भी अपनी जुबान से मनी, पैसे के लिए, कि मैं पैसे के लिए चेंज कर रहा हूं, वहां पर पैसे कुछ कम थे लेकिन यहां पर पैसे की ग्रोथ अच्छी होगी ऐसा मुझे लगता है, तो मैं पैसा मतलब मनी को रीजन बताते हुए आपको कभी भी मनी को रीजन नहीं बताना है। क्यों? अगर मनी को रीजन आपने बताया तो इंटरव्यूअर इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा कि आज ये बंदा किसी और कंपनी में जहां पर ये एक साल से काम कर रहा है या दो साल से काम कर रहा है, कितने भी साल से काम कर रहा है, ये बंदा मनी की वजह से आज यहां से चेंज कर रहा है, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि कल को यहां पर मनी की वजह से कहीं और चेंज नहीं करेगा। देखिए, अगर एक्चुअल सिनेरियो की या बिल्कुल साफ बात करें तो पैसे के लिए बहुत सारे लोग चेंज करते हैं और कोई गलत बात भी नहीं है, बट कभी भी ये चीज जुबान पर नहीं लानी चाहिए। बहुत बार मेरे भाई लोग साफ सुथरी छवि बनाने के चक्कर में, इंप्रेशन जमाने के चक्कर में गड़बड़ कर जाते हैं और वो बताने लगते हैं कि मैं बताने को तो बहुत सारे रीजन और भी बता देता, बट क्योंकि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि मैं पैशनेट हूं इस जॉब के लिए, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं आपको एक्चुअल रीजन बता रहा हूं, मैं केवल और केवल मनी के लिए चेंज कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, यहां पे मैं बता दूं कि इंटरव्यूअर आपसे कुछ कहेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक पिन लग जाएगी कि ये बंदा मनी ओरिएंटेड है, मनी इसको कहीं भी ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, तो ये कभी भी इस कंपनी को या किसी और कंपनी को कभी भी लात मार सकता है। तो दोस्तों, मनी के लिए चेंज करना गलत नहीं है, बट डायरेक्टली इन चीजों के लिए किसी को बोलना थोड़ा सा गलत इमेज बना देता है। दूसरी किस बात का ध्यान रखना चाहिए, दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी आपको इंटरव्यूअर की हर बात का आंसर यस में नहीं देना है। मतलब
कई बार वो आपसे कहेगा कि भाई यहां पर तो सिनेरियो इस तरीके का है कि आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप बोल दोगे ओके सर, यस मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। कभी वो बोल देगा आपको सैटरडे भी आना पड़ेगा, तो आप बोल दोगे यस सर आई कैन डू इट। आप वो बोल देगा कि आपको संडे भी आना पड़ेगा, आप बोल दोगे आई कैन डू इट। छुट्टी के दिन भी बोल देगा आपको आना पड़ेगा, आपको घर से अवेलेबल रहना पड़ेगा, आप वहां क्यों गए। वो क्लियरली ये चीज जान जाएगा कि ये बंदा डिसीजन में बहुत ज्यादा वीक है, इस बंदे की पर्सनल लाइफ अपनी कुछ नहीं है, ये तो मेरी हर बात के लिए हां बोल रहा है। तो दोस्तों, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को बनाने के लिए जो चीजें लॉजिकली यस होनी चाहिए उनके लिए आप यस बोलिए, जो चीजें नहीं होती है उनके लिए भले ही वो यस बोला लेकिन आप नहीं बोलिए। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप उसकी हर बात के लिए हां करते चले जाओगे, तो आपकी इमेज कहीं ना कहीं एक वीक बन जाएगी कि इस बंदे की लाइफ में ना कुछ करने को है ना कुछ कहने को है, ये तो एक तरीके की कठपुतली वाला काम हो गया, हाथों के इशारों से नाचने वाली चीज की बात होगी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी छवि को, आपकी इमेज को, आपके इंप्रेशन को कहीं ना कहीं डाउन कर देगा। तो हर बात के लिए आपको हमेशा यस नहीं कहना है, जो चीजें लॉजिकल है, कभी कोई इशू फंसता है तो मे भी आपको 24 आवर्स भी काम करना पड़ सकता है, कभी कभी प्रोडक्शन इशू हो जाता है या कभी कभी इस तरीके की चीजें हो जाती हैं कि जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है वहां पर कोई मशीन का कोई बड़ा फॉल्ट हो गया, उनकी रिपेयरिंग चल रही है, तो कभी कभी सिनेरियो ऐसे बनते हैं, तो उसके लिए बोलना चाहिए कि समटाइम्स मैं कर सकता हूं जब कंपनी में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी या मेरे काम की जरूरत होगी तब मैं अवेलेबल होऊंगा, बट फॉर एवरी सैटरडे फॉर एवरी संडे आई कांट डू इट। ठीक है, तो हर चीज के लिए हां आपको नहीं बोलना। और किस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, तीसरी बात का ध्यान रखना चाहिए मुझे कि कभी भी जाने या अनजाने में, क्योंकि इंटरव्यूअर तो आपसे पूछता है कि आप ये जॉब क्यों चाहते हो, आपने पुरानी जॉब क्यों छोड़ दी, तो वहां पर भले ही आपकी आपके मैनेजर से आपके सीनियर से किसी से भी लड़ाई हो रखी हो, आपकी ट्यूनिंग नहीं बनती या आपका कोई भी मैटर हो, बट आपको कभी भी जाने अनजाने में कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है, ना अपने पड़ोस की, ना अपने फैमिली की, ना अपने रिलेटिव की, ना अपने कुलीग की, ना अपने किसी मैनेजर की, ना अपनी कंपनी की, किसी की भी बुराई आपको नहीं करनी है, क्योंकि बुराई करना कमजोरों का काम होता है। आप यहां काम करते हो, आपको यहां पर कुछ एक सिनेरियोज मिल सकते हैं, मे बी आपका मैनेजर जो है वो आपको परेशान करता हो, मे बी आपके कुलीग्स के साथ आपकी ट्यूनिंग्स ना बनती हो, मे बी कोई और रीजन हो सकता है, तो वो कंपनी टू कंपनी मैटर करते हैं। मे बी आप जहां के लिए इंटरव्यू दे रहे हो वहां पर आपको और वर्स सिचुएशन मिल जाए, आपको और परेशानी वाला इन्वायरमेंट मिल जाए, आपको और परेशान करने वाले लोग मिल जाए, आपके कुलीग आपके सपोर्टिव ना हो, तो वो सिनेरियो कहीं भी मिल सकता है। इन चीजों के लिए कभी भी किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। तो तीन बातें हम डिस्कस कर चुके, चौथी बात मुझे हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि मुझे कभी भी अपने इंटरव्यू के दौरान किसी से भी, जो सामने इंटरव्यू है उससे सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मे भी हो सकता है आप इंटरव्यू से चार दिन पहले काफी बीमार हो गए, या आपकी लास्ट जो नौकरी थी वो किसी रीजन से चली गई, फिजिकल या किसी मेंटल या किसी भी रीजन से स्ट्रेस की वजह से चली गई, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से चली गई, आपको कभी भी अपने इंटरव्यू को कोई सिंपैथी लेकर के उसको ऐसे अपने सपोर्ट में लेने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं अगर आप इसको ये बताऊंगा कि जी मेरा तो बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया था और मैं तो कैसे कैसे खड़ा हूं, आपकी इस कहानी में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी वीकनेस उसको बता रहे हो इसलिए कि भाई मुझे आप जॉब पे ले लो, मैं वीक हूं, मेरी टांग टूट गई थी, मेरा हार्ट टूट गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बहुत बीमार हो गया था, अब मुझे ले लो क्योंकि मेरे को नौकरी की जरूरत है। तो किसी भी तरीके से दया दृष्टि नहीं अपनी दिखानी है, कोई सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं करनी है। पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पांचवी बात के लिए इंटरव्यूअर आपसे कई बार आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस को पूछता है। तो स्ट्रेंथ तो आप बखूबी बता दोगे, क्योंकि स्ट्रेंथ तो हमेशा स्ट्रेंथ ही रहती है, वीकनेस आपको कोई भी कभी भी ऐसी कोई वीकनेस नहीं बतानी है अपने इंटरव्यू को जो आपको उस इंटरव्यू के दौरान उस कंपनी में जॉब दिलाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। मतलब अगर किसी कंपनी का काम या रूटीन कुछ इस तरीके का, मे बी उस कंपनी में जो जॉब है
वो नाइट का है, नाइट शिफ्ट है मे बी। देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, मे बी उस कंपनी में जो जॉब का जो पैटर्न है वो नाइट शिफ्ट का है, वो यूएस बेस्ड कंपनी है फॉर एग्जांपल, और आप कह दो जी मेरी जो वीकनेस है वो ये है कि जी 8 बजे के बाद मुझे बहुत तेज नींद आने लगती है, या खाना खाते ही शाम का डिनर करते ही मेरी आंखें खुली नहीं रह सकती हैं, ये मेरी वीकनेस है, लेकिन मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूं और सुबह से लेकर पूरे दिन एनर्जी में रहता हूं, लेकिन रात में मेरी आंखें नहीं खुलती हैं। तो दोस्तों जाने अनजाने में कोई भी ऐसी वीकनेस जो आपकी जॉब दिलाने में प्रॉब्लम क्रिएट करे वो वीकनेस आपको कभी नहीं भूलनी। सबसे लास्ट बात, इंटरव्यू खत्म होते वक्त सब कुछ सिनेरियो आपका अच्छा हो गया, इंटरव्यूअर सबसे लास्ट में एक लाइन बोलता है, डू यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग फ्रॉम माई साइड, तो उस टाइम पे आपको कहना है नो सर। क्या कहना है? नो सर। जाने अनजाने में कभी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी से मेरा मतलब है टेक्नोलॉजी या प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं पूछना। हां आप जॉब के बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि सर ये जो ओपनिंग है वो किस तरीके की है, क्या उसमें काम होने वाला है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आप प्रोफाइल देख रहे हो, ऐसी बातें आप जरूर पूछ सकते हो। बट कभी भी जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उन क्वेश्चन के एवज में आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है, भले ही इंटरव्यूअर गलत ही क्यों ना बोल रहा हो, और ना कभी उसकी नॉलेज को टेस्ट करने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ, तो एक बार ऐसा हुआ कि किसी लेडी ने मेरा इंटरव्यू लिया, और इस इंटरव्यू के दौरान क्योंकि उस टाइम में मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लगातार इंटरव्यू दे रहा था किसी ना किसी कंपनी में, तो मेरा एक कंसेप्ट, सच में एक कंसेप्ट अटका हुआ था, उस कंसेप्ट को मैं काफी बार क्लियर करने की कोशिश कर रहा था बट वो हुआ नहीं। लेकिन जब मैं इंटरव्यू के पास गया, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, और लास्ट में इंटरव्यू ने मुझसे पूछ लिया कि क्या आप पूछना चाहते हो, और मैंने उस इंटरव्यू से वही क्वेश्चन पूछ लिया जिस क्वेश्चन में पिछले 10 दिन से अटका हुआ था। मैंने अपने इनोसेंट तरीके से पूछ लिया, सीधेपन के अंदर वो पूछ लिया, और उस टाइम मुझे ये समझ में आया कि कभी भी अपने इंटरव्यू से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, इंटरव्यूअर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इंटरव्यूअर को आता होगा तो डेफिनेटली वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगा, और उस बात को भूलने की भी कोशिश करेगा कि कोई बात नहीं, उसने पूछा मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट 1% अगर उसको वो क्वेश्चन नहीं आता होगा तो वहां पर टोटली आपका जो इंप्रेशन था वो पूरा निगेटिव हो जाता है, और इंटरव्यूअर सिंपल एक लाइन कहता है, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू जजिंग मी, तुम मुझे जज करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरी नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर फेल्ड। समझ रहे दोस्तों? तो कभी भी अपने इंटरव्यूअर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो मैंने यहां आपको कुछ 5-6 बातें बताई हैं, ये कभी भी आपको अपने इंटरव्यू में नहीं बोलनी है। हमेशा ध्यान देना है कि आपको उन पॉइंट्स को ही बोलना है जो आपको स्ट्रांग दिखाएं, उस प्रोफाइल के लिए आपकी जॉब को पक्का करें। आपकी वीकनेस कभी भी सामने नहीं आनी चाहिए, आपको इन 6 की 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो होपफुली मेरा ये जो एक्सपीरियंस था ये डेफिनेटली आपके काम कर रहा होगा। मैंने ये वीडियोस उन भाइयों के लिए बनाई है जो इंटरव्यू में कभी जाने अनजाने में सही पर इस तरीके की गलतियां कर जाते हैं। तो ध्यान रखें, इंटरव्यू निकाले, अच्छी जॉब पाए, अच्छे पैसे अर्न करें, बट पैसे की बात कभी भी अपने इंटरव्यू को ना बोले, क्योंकि वो थोड़ी पचती नहीं है, वो सर के ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।